दोस्तों अंकुरित मूंग की दाल बन करके तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप इस रेसिपी को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर ये मेरी दाल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अंकुरित मूंग की दाल बन करके तैयार है। इसको मैं उबालते समय दो प्याज, चार पांच लहसुन की कलियां, दो हरी मिर्च डाल के इसको मैं पकने तक बॉईल कर चुकी हूँ। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने दो तेजपत्ता, दो लाल मिर्च, मेथी और राई लिए हैं। इसके बाद एक प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, 10-20 कड़ी पत्ता है। इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसी स्टेज में हम 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इसको अब हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज भून चुका है, अब हम टमाटर डाल दे रहे हैं। नमक डाल रहे हैं। नमक डालने से टमाटर है जल्दी पकेगा। इसी स्टेज पे हम मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून हम लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च। सबको हम डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से भून जाए। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। इसके बाद हमने 1 कटोरी दही फेंट कर लिया है। इसको हम डाल देंगे। साथ में हम फ्लेम को लो करेंगे ताकि ये मसाला के साथ जाके दही फटे नहीं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगातार इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। धनिया पत्ता ऐड करेंगे। मसाले में दही डाले हुए 2 मिनट होकर 2 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। बाकी गरम मसाले हम बाद में डालेंगे। साथ में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डालने के बाद मसाले का कलर चेंज हो गया और उसमें चम्मच आ गई। दोस्तों घी के साथ हम 1 मिनट भून चुके हैं। अब हम उबले हुए दाल को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे।
से 7 मिनट तक मीडियम आंच में इसको हम पकाएंगे। अगर आपको रोटी के साथ खानी है तब आप इतना ही लिक्विड रख सकते हैं, लेकिन चावल के साथ खाना तो इसमें और आप पानी ऐड करेंगे। आज हम चावल के साथ खाएंगे इसलिए एक कटोरी में पानी ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ढक के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। दाल को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया, इसको एक बार हम आपको चला कर दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसी स्टेज में हम बाकी के गरम मसाले डाल के 1 मिनट तक इसको पकने देंगे। 1 से 2 मिनट गरम मसाला डाले हुए हो गए। देखिए कलर कितना सुंदर आया है। गरम मसाला दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको अब हम प्लेटिंग करेंगे। अंकुरित मूंग की दाल बन करके तैयार है। इसको प्लेटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अंकुरित मूंग की दाल बन करके तैयार है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। टेस्टी भी बहुत होगा। इसको मैं हरे धनिया की पत्ती के साथ गार्निश करूँगी। अगर आपको अंकुरित मूंग की दाल की मेरी रेसिपी आपको पसंद आता है तो आप इस रेसिपी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे बना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब